एकीटीयू का एक अभी अभी स्टूडेंट का जो है कैंसिल द एग्जाम अभियान स्टार्ट हुआ है, तो उसी के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। एकीटीयू तेज हुआ कैंसिल द एग्जाम अभियान, मतलब जो एकीटीयू के छात्र हैं वो एक अभियान चला रहे हैं जिसमें कि कैंसिल द एग्जाम इस साल का भी करना चाहते हैं। तो इसमें कुछ सूचनाएं हैं। केस नंबर फर्स्ट में तो एक स्टूडेंट का कहना है कि सर मार्च तक परीक्षा का आयोजन किया गया और अप्रैल में ऑनलाइन क्लास शुरू हुई, फिर 15 दिन बाद क्लास सस्पेंड कर दी गई, फिर अभी कुल 1 महीना पढ़ाई हुई और मात्र 20% ही कोर्स पूरा हुआ। कई बार नेटवर्क के कारण इसमें भी दिक्कत हो रही है, 90 दिन भी नियमानुसार क्लास नहीं चली और कोर्स पूरा नहीं हुआ, ऐसे में हम कैसे परीक्षा दे पाएंगे। दूसरे स्टूडेंट का कहना है सर कोविड संक्रमण के कारण मैंने अपने अभिभावक को खो दिया है, इसके कारण मेरी पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है। अब जब अन्य यूनिवर्सिटी कोई कोई बोर्ड में स्टूडेंट्स की प्रमोट कर दिया गया है तो फिर हमारी परीक्षा क्यों करवाई जा रही है। सरकार वो बीबी को हमें भी प्रमोट करने का विचार करना चाहिए। अभी स्थिति परीक्षा के मतलब कि आयोजन के योग्य नहीं है। तो उसके बाद यही सूचना आई हुई है। उसके बाद लखनऊ से शासन की ओर से तकनीकी शिक्षक संस्थानों में परीक्षा का निर्णय ले जाने के बाद सोशल मीडिया पर विद्यार्थी परीक्षा के आयोजन न किए जाने के लिए तरह तरह की दिक्कत बताकर परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर उनका कैंसिल द एग्जाम अभियान भी तेज हो रहा है, ट्विटर पर चल रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने इंटर परीक्षा टालने का निर्णय लिया है। साथ ही सामान्य बीबी में भी ज़्यादातर जगह यूजी पीजी फाइनल ईयर है के ही एग्जाम होने हैं, अन्य ईयर वालों को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे में तकनीकी शिक्षा संस्थान के में परीक्षा का निर्णय विद्यार्थियों को पच नहीं रहा है। वही परीक्षा भी सभी वर्ष के विद्यार्थियों की और ये भी वो भी ऑनलाइन। काफ़ी विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित है वे इसे लेकर भी टेंशन में है कि अगर नेटवर्क की दिक्कत हुई तो क्या होगा। अभी परीक्षा को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश का इंतजार है। सोशल मीडिया पर छात्रों का यह भी कहना है कि उन्हें ऑब्जेक्टिव परीक्षा के अनुसार पढ़ाया नहीं जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी के पास लैपटॉप या बेहतर नेट कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे में क्या कोई सुविधा उनको दी जाएगी। तो आज के लिए बस यही मतलब कि आया था, अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, ये तो एग्ज़ाम का एक कटिंग था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में ये न्यूज़ जाना चाहिए, तो इसके लिए हमने आप लोगों के बीच में ये न्यूज़ रख दिया है। थैंक यू।